दोस्तों इतिहास बड़ा ही अजीब होता है। ये कुछ लोगों को बहुत मजेदार लगता है तो कुछ लोगों को बहुत ही बोर करता है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी हादसे होते हैं जो आज अगर हम सुन लें तो थोड़े हैरान, थोड़े परेशान हो जाएंगे या फिर थोड़ा हंसने लगेंगे। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जहाँ आपको इतिहास से जुड़े 12 ऐसे अजीब फैक्ट और कोइंसिडेंस बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आप इसे कहां तक देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसे देखकर आपको डर भी लग सकता है। गोली का 20 साल बाद बदला। 1883 में अमेरिका के टेक्सस में हेनरी ज़ीगलैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ दिया और उनकी गर्लफ्रेंड ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। अब लड़की के भाई ने गुस्से में आकर ज़ीगलैंड को गोली मार दी और ज़ीगलैंड की हत्या करने के अपराध में लड़की के भाई ने अपने आप को गोली मार ली। हालांकि वास्तव में ज़ीगलैंड की मौत ही नहीं हुई थी, बुलेट ने केवल उसके चेहरे को छुआ और एक पेड़ में घुस गई। कई सालों बाद ज़ीगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली थी। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। इस पेड़ को काटना इतना कठिन था कि उसने इसे डायनामाइट के साथ उड़ाने का फैसला किया। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो वही गोली निकलकर ज़ीगलैंड के सिर में जा लगी जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस तरह गोली ने 20 साल बाद बदला पूरा किया। अब बताओ है ना मजेदार। बिना मौत का सबसे लंबा युद्ध। क्या आपको बताया कि विश्व युद्ध का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और आइल्स ऑफ साहिली के बीच लड़ा गया था? युद्ध करीब 335 सालों तक चला था। जी हाँ, 1651 में शुरू हुआ यह युद्ध 1986 में जाकर खत्म हुआ था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस युद्ध में एक भी सैनिक की जान नहीं गई। जब खुद से है चार्ली चैपलिन। दुनिया को अपनी अनोखी कला से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। तभी एक बार उन्हें पता चला कि एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें खुद को चार्ली चैपलिन जैसा दिखाना था। फिर चार्ली चैपलिन भी उस प्रतियोगिता में गुप्त रूप से हिस्सा ले लेते। मगर हैरानी तब हुई जब असली चार्ली चैपलिन 7वें स्थान पर आते हैं। यानी 6 ऐसे व्यक्ति थे जो चार्ली चैपलिन जैसे दिख रहे थे। हारने के बाद चार्ली चैपलिन यही बोल रहे होंगे कि गजब बेइज्जती है यार। स्मोकिंग के एड में डॉक्टर। साल 1960 से पहले स्मोकिंग कंपनी ऐसे एड दिखाती थी जिसमें डॉक्टर्स को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता था। और तो और उसमें डॉक्टर ये बताते थे कि स्मोकिंग में हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसकी वजह ये थी कि 1950 से पहले ऐसी कोई भी स्टडी सामने नहीं आई थी जिसमें बताया गया हो कि स्मोकिंग से कैंसर और फेफड़े से जुड़ी बीमारी होती है। इसीलिए विज्ञापन कंपनी डॉक्टर्स का इस्तेमाल करके स्मोकिंग का प्रचार करती थी ताकि लोगों को भरोसा हो सके और वो इसे जरूरी बना ले। वैसे अगर आपसे डॉक्टर बोल दे स्मोकिंग के लिए तो क्या आप स्मोकिंग करना शुरू कर दोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी को नोबेल। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और बेनिटो मुसोलिनी ये इतिहास के सबसे क्रूर शासक थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों को दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया गया था जो शांति के लिए प्रदान किया जाता है। अब ये लोग शांति को कितना सपोर्ट करते थे ये तो आप इनका इतिहास पढ़कर समझ ही चुके होंगे। इस पर मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताओ इस पर क्या कहना चाहोगे। एक टैक्सी और जुड़वा भाई। 1975 में बरमूडा के हैमिल्टन में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मारी तो वो वहीं पर मर गया। एक साल बाद उसके सगे भाई की मौत भी उसी तरह हो गई। लेकिन कहानी में दिलचस्प बात यह है कि वो भी अपने भाई की तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि मोपेड को हिट करने वाली ये वही टैक्सी थी और उसे चलाने वाला ड्राइवर भी वही था। और यहाँ तक कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी वही था। और ये सारे कोइंसिडेंस से ऊपर जहाँ दुर्घटना हुई वो गली भी वही थी। अब बताइए आप कभी सोच सकते थे कि एक साथ एक जगह पर इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हो सकते हैं? बच्चों के रोने से बारिश। मैक्सिको की प्राचीन एस्टेक सिविलाइजेशन के लोगों का मानना था कि बच्चों के आंसू बरसात लाने के लिए सक्षम है। उनको यह अनोखा विश्वास था कि बच्चों के रोने से बरसात आ जाती है और उस बरसात से अच्छी फसल हो जाएगी। इसीलिए वे लोग बच्चों को रोने के लिए गुफाओं में छोड़ देते थे। मतलब यार ये किस किस्म के पेरेंट्स थे? आप कभी ऐसा करोगे? $7 बिलियन का नुकसान। जॉनस सॉल एक अमेरिकी मेडिकल रिसर्चर थे। साल 1955 में इन्होंने पहली सफलता में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। और जॉनस सॉल्क ने तय किया कि वो अपनी वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराएंगे ताकि ये लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके। और जॉनस के इस फैसले से एक अनुमान के मुताबिक उन्हें करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ। अब इसे कहते हैं ना इंसानियत की मिसाल नहीं, मिसाइल।
384,912 साल की सजा। दोस्तों, एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना जी सकता है, 100 या 200 साल? और यार वैसे आज की डेट में अगर कोई इतना जी भी ले तो उसे चमत्कारी समझा जाता है। बहरहाल, इस जिंदगी में अगर कोई इंसान कोई क्राइम कर देता है तो उस अपराधी को आज कोर्ट सजा देने के लिए उम्र कैद या 20 साल की सजा सुनाती है। लेकिन स्पेन के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम गैब्रियल ग्रेनाडोस था, एक पोस्टमैन था, इस इंसान को 384,912 साल जेल में बिताने की सजा सुनाई गई थी और ये अब तक के इतिहास में दी जाने वाली सबसे लंबी सजा है। गैब्रियल के ऊपर 42,000 लेटर डिलीवर ना करने का आरोप था, लेकिन 14 साल बाद ग्रेनाडोस को जेल से रिहा कर दिया गया। अब इस रिहाई को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि उस दिन कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाने के मूड में थी। 3 सबसे बड़े समुद्री जहाज हादसों की एकमात्र गवाह, वॉयलेट कॉन्स्टेंस जेसोफ। दुनिया की इकलौती वो इंसान है जो एक या दो नहीं बल्कि 3 बड़े हादसों में मौत को चकमा दे चुकी है। पिछली शताब्दी के 3 प्रसिद्ध जहाजों की दुर्घटनाओं के वक्त उन तीनों ही जहाजों में मौजूद थी और हर बार दुर्घटना से बच निकली। पहली बार 20 सितंबर 1911 को आरएमएस ओलंपिक एचएमएस हॉकी से टकराया। दूसरी बार जब 14 से 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड के साथ टकराया और डूब गया। और तीसरी बार जब 21 नवंबर 1916 को एचएमएचएस ब्रिटैनिक एक खदान से टकराया और डूब गया। तीनों वक्त जो सिर्फ जहाज में मौजूद थी और तीनों बार बच गई। ये तो अपने एमडीएच वाले दादा से भी ज्यादा किस्मत वाली थी। अरेबिक न्यूमरल को इंडियन मैथमेटिक्स ने इन्वेंट किया। आप जानकर हैरान होंगे कि जो अरेबिक न्यूमरल है इसका आविष्कार अरेबिक लोगों ने नहीं किया है बल्कि 6th सेंचुरी में इनको इंडियन मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था। पर्सिया और अरब के लोग इन्हें हिंदू न्यूमरल कहा करते थे, लेकिन यूरोप के लोग इन्हें अरेबिक न्यूमरल कहने लगे क्योंकि अरब के व्यापारी ने यूरोपियन को इनके बारे में बताया था। दूल्हे के लेफ्ट हैंड की तरफ दुल्हन खड़ी क्यों होती है? अक्सर आपने शादियों में देखा होगा कि दुल्हन दूल्हे के लेफ्ट साइड होती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम बताते हैं। असल में ज्यादातर तो लोग राइट हैंडेड होते हैं, तो पुराने समय में लड़की दूल्हे के बाईं ओर इसलिए खड़ी होती थी ताकि दुल्हन पर अगर कोई हमला कर दे या उसे छीनने की कोशिश करे तो दूल्हे का राइट हैंड फ्री रहे तलवार उठाने के लिए। और तब से लेकर आज तक शादियों में आप देखते होंगे कि दूल्हे के लेफ्ट हैंड की तरफ दुल्हन खड़ी होती है। आपको इतिहास से जुड़े फैक्ट और कोइंसिडेंस कैसे लगे? अगर आपके पास कुछ अनोखा है हमें बताने के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।